गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट लेट स्टार्ट अवर टॉपिक इज़ एंकर ओके आज का हमारा टॉपिक क्या है एंकर टेग लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था तो कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स और वो एलिमेंट्स का इट मीन्स डिफरेंट टैग और वो टैग क्या वर्क करता है वो भी हमने देखा था विथ प्रैक्टिकल मैंने प्रैक्टिकल करके आपको ग्रुप में इमेज भी शेयर की थी ठीक है तो समझ में आ गया था सबको लास्ट लेक्चर का किसी को कुछ डाउट नहीं था ना अगर किसी को कुछ भी डाउट हो हो तो मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना ठीक है तो चलो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें तो एंकर टेक क्या है किसी को पता है एंकर टैग क्या है एंकर टैग इट मीन्स के हमारे पास जो एक फाइल है एक वेब पेज है हमें एक वेब पेज में से दूसरे वेब पेज में जाने के लिए हम कौन से टैग का यूज़ करेंगे एंकर टैग का इट मीन्स फॉर एग्जांपल देखिए एक फाइल में से दूसरी फाइल में जाने के लिए हमें एंकर टैग का यूज़ करना आ, आ, एक फाइल में से दूसरी फाइल में जाने के लिए हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं ठीक है ठीके? ओके okay, तो सेट ऑफ सच वर्ड्स और टैक्स दैट अपीयर्स इन डिफरेंट कलर्स जनरली जनरली ब्लू एंड अंडरलाइन आर कॉल्ड हाइपर लिंक जब हम एक फाइल में से दूसरी फाइल में जाने के लिए एंकर टैग का यूज़ करेंगे तब वो जो हमारी एक फाइल होगी उसमें हम है, एंकर टैग का यूज़ करेंगे तो वो एंकर टैग है उसको हम क्या बोलेंगे हाइपरलिंक बोलेंगे क्या बोलेंगे हाइपरलिंक तो हाइपरलिंक कैसे हाइपरलिंक इज क्रिएट यूजिंग अ ए एलिमेंट वो कैसे डिस्प्ले होंगी दिख दिख रहा है यहाँ पर ए एलिमेंट ओके और जो हाइपरलिंक होगी इट मीन्स जो एंकर टैग होगा उसका फ़ॉन्ट उसका फ़ॉन्ट कैसे होगा ब्लू कलर का और उसके फ़ॉन्ट के नीचे अंडरलाइन होंगी ओके ठीक है हम एग्जाम्पल में देखते हैं इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाए कि एंकर टैग क्या है तो चलिए देखते हैं हाँ हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है आगे जो एग्ज़ाम्पल था ना पी वन डॉट एच टी एम एल वही एग्जाम्पल का यहाँ यूज़ किया है तो हम उसमें देखते हैं ठीक है थीके? तो चलो ये हमारा पी वन डॉट एच टी एम एल वाला एग्जाम्पल है उसमें हमने पहले क्या किया था तो कि हमें पहले एच टी एम एल कोड राइट करना है तो पहले मैंने एच टी एम एल स्टार्ट किया उसके बाद हेड हेड के अंदर मैंने टाइटल दिया है अबाउट रेमबो उसके बाद टाइटल टेक क्लोज़ किया और उसके बाद हेड टेक को मैंने क्लोज कर दिया और हेड टेक का वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया उसके बाद आता है बॉडी टेक तो बॉडी टेक को मैंने स्टार्ट किया उसके अंदर मैंने हेडिंग दिया है एच वन के अंदर रेमबो ओके और हेडिंग हेडिंग टेक को क्लोज कर दिया फिर मैंने दो पैराग्राफ लिए हैं फर्स्ट वन पैराग्राफ की स्टार्ट किया पीस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर मैंने रेमबो के इससे थोड़ा डिटेल में दो तीन वर्ड्स लिखे हैं तो पहले पैराग्राफ को स्टार्ट किया फिर उसको क्लोज कर दिया उसी तरह सेकंड पैराग्राफ को स्टार्ट किया और उसको क्लोज कर दिया इसी तरह यहाँ पर मुझे क्या करना है एंकर टेक का यूज़ करना है इट मीन्स मुझे हाइपर लिंक देना है ठीक है तो यहाँ अगर मुझे हाइपर लिंक देनी है एंकर टेक को लिखना है तो कैसे लिखूँगी ठीक है जैसे ही हमारा एच टी एम एल स्ट्रक्चर के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट है हेड बॉडी टाइटल ये सब पार्ट्स एच टी एम एल टैग के लिए इम्पोर्टेंट वैसी इसी तरह एंकर टैग के लिए ए, ए जो ब्रैकेट uh, के अंदर आपको ए दिखाई दे रहा है वो एंकर टैग है ओके okay? तो वो कैसे डिस्प्ले होता है तो के पहले मैंने एक पैराग्राफ टैग ले लिया उसके अंदर मैंने हाइपर लिंक लिया हाइपर टैग लिया है तो पहले मैंने हाइपर टैग को स्टार्ट किया उसके अंदर एच आर ई एफ इज इक्वल टू डबल कोड के अंदर अनोदर uh, फाइल जो, जो दूसरी फाइली है जहाँ पर मुझे uh, जब मैं इस फाइल को ब्राउजर के अंदर रन करूँगी तब वहाँ पर एक uh, जो यहाँ पर लिखा है ना क्लिक हियर टू विजिट थियरी ऑफ रेनबो इट मीन्स हाइपर ने इट मीन्स एंकर टेक क्या है कि एक फ़ाइल में से दूसरी फाइल के अंदर जाने के लिए हम हाइपर हाइपर हम एंकर टेक का यूज़ करेंगे ठीक है तो यह हमारा जो पहला एग्जांपल है उसके अंदर हमें पहले तो हमें दो एच फाइल बनानी पड़ेगी ये हमारा फर्स्ट वन एच फाइल है और दूसरी एच फाइल इसके बाद हम बनाएंगे तो हम जो दूसरी एच फाइल बनाएंगे उसका नेम हमें यहाँ पर लिखना है ठीक है तो उसका नेम क्या है पी फोर डॉट एच टी एम एल ओके ये जो है वो एंकर टेक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो हमें याद रखना है तो भी वो फाइल एक दूसरी फाइल के अंदर रन होगी ठीक है तो ये जो ए एंकर एंकर टेक एच आर ई एफ इज इक्वल टू डबल कोट के डबल कोट के अंदर जेते फाइल का नेम ओके और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि किसके बारे में है तो क्लिक हेयर टू विजिट थियरी ऑफ रेमबो उसके बाद एंकर टेक को क्लोज करना है और उसके बाद पी टेक को क्लोज करना है क्लोज कर देना है फिर बॉडी टैग क्लोज एंड एच टी एम एल क्लोज तो ये हमारा जो एग्ज़ाम्पल था वो एग्ज़ाम्पल को हम सिंपल नोटपैड में यहाँ सेम जो कोड लिखा है वो सेम टू सेम कोड नोटपैड के अंदर हम टाइप कर लेंगे फिर हम नोटपैड फाइल में ये हमारा एच टी एम एल कोड जो लिखा है वो टाइप करके बाद हम उसको क्या करेंगे सेव करेंगे ठीक है तो जो एच टी नोट के अंदर फाइल के अंदर जाकर हम इस एच टी एम एल कोड को सेव करेंगे उसका नाम क्या देंगे तो कि इसका नाम हम देंगे पी थ्री डॉट एच टी एम एल देखो आपको याद रखना है मैं प्रैक्टिकल यहाँ बो आ, जो आपको प्रैक्टिकल करना है वो वो आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है वो आपको प्रैक्टिकल करना है कंप्यूटर के अंदर ठीक है फिर उसको सेव आप कोई भी नेम से कर सकते हैं मैंने यहाँ सेव किया है पी थ्री डॉट एच टी एम एल ओके तो ये हमारा पहला एच डी एम एल पेज बन बन गया है ठीक है एक एच डी एम एल फाइल बन गई है अब मुझे दो मैंने बोला था ना कि दो फाइल बनानी पड़ेगी तो मुझे पहले एक दूसरी फाइल भी बनानी है ठीक है तो उसका एग्जाम्पल नीचे है देखिए यहाँ पे ये जो दूसरी दूसरी एच फाइल है वो कुछ इस तरह से है तो हम देखते हैं कि इसमें नॉर्मल ऐसे ही एच टी स्टार्ट किया इसके बाद हेड हेड के अंदर मैंने टाइटल डाला तो देखो इसके टाइटल में क्या है थियरी ऑफ रेमबो ओके उसमें क्या था अबाउट रेमबो इसके अंदर है थियरी ऑफ रेम्बो फिर हेड टेक कंप्लीट किया फिर बॉडी टेक स्टार्ट किया उसके अंदर एच वन टेक हाउ रेम्बो डेवलप एच वन टेक क्लोज किया और उसके अंदर मैंने एक ही पैराग्राफ टी लिया है पी के अंदर मैंने रेम्बो के बारे में थोड़ा घर डिटेल में डाल दिया है ठीक है फिर पैराग्राफ टेक को और इट मीन्स पी टेक को क्लोज़ किया फिर बॉडी टेक क्लोज किया और उसके बाद और उसके बाद एच टी एम एल टेक को मैंने क्लोज कर दिया है ठीक है तो ये फाइल हमने नोटपैड के अंदर टाइप कर ली तो हब अब हम इसको क्या करेंगे सेव करेंगे ठीक है तो नोटपैड के अंदर फाइल में जाकर इसको सेव करेंगे और उसके नाम क्या देंगे जब हमने पहली फाइल बनाई थी उसमें हमने है, एंकर टैग में क्या नेम लिखा था पी फोर अथवा तो आप जब प्रैक्टिकल करें तब आपको जो भी लिखना हो पर याद रहे कि जब दूसरी फाइल बनाए उसका जो नाम हो वही वहाँ पर डालना है अगर आपने थोड़ी सी भी वन लेटर की भी मिस्टेक कर दी तो भी वो फाइल रन नहीं होगी इसलिए आप पहले ये फाइल बनाएं उसको रन करें और उसको सेव करें उसको सेव करने के बाद उसके जो नेम है उसको कॉपी करके ही वहाँ पर पेस्ट करें इसलिए उसमें कहीं मिस्टेक आएगी नहीं ठीक है तो इस फाइल को मैं सेव करती हूँ पी फोर डॉट एच टी एम एल ओके तो आपके लिए क्या हो गया पहले तो दो दो फाइल बन गई पहली फाइल थी पी थ्री डॉट एच टी एम एल और ये नेक्स्ट फाइल है पी फोर डॉट एच टी एम एल ओके और डॉट एच टी एम एल से ही हमें एच टी एम एल फाइल को सेव करनी है वो तो आपको पता ही है ओके okay? तो हमने ये दोनों फाइल डॉट एच टी पी थ्री एंड पी फोर डॉट एच टी एम एल से सेव कर ली है ठीक है तो हमारा जो पहला प्रोग्राम था हम उसको पहले रन करते हैं ठीक है थीके? ये हमारा क्या था पहला प्रोग्राम था पहली एच टी एम एल फाइल थी उसके अंदर हमने एंकर टेक दिया है हाइपर लिंक दी है जो दूसरी हमारी फाइल थी उसका नेम यहाँ लिखा है पी फोर डॉट एच टी एम एल ओके ठीक है चलो हम उसको ये जो पी थ्री डॉट एच टी एम एल फाइल है उसको ब्राउज़र में रन करते हैं ठीक है थीके? तो जब हम ब्राउज़र में रन करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी अगर क्रोम में करेंगे तो उसके रिलेटेड दिखाई देंगी और कोई भी ब्राउज़र में करे पर जैसा हमने इनपुट दिया है वैसे ही हमें आउटपुट तो मिलेगा इसलिए हमने पहले उस टाइटल में क्या दिया था अबाउट रेनबो उसके बाद एच वन टेक में क्या लिखा था रेनबो उसके बाद हमने दो पैराग्राफ दिए थे और उसके बाद एक तीसरा पैराग्राफ था जिसके अंदर हमने एंकर टेक का यूज़ किया था किया था कि नहीं और मैंने बताया था कि एंकर टेक का एंकर टेक को हम क्या बोलते हैं हाइपरलिंग बोलते हैं ठीक है थीके? उसके जो फ्रॉन्ट के कलर है वो कैसे कलर उसका कलर कैसा होगा ब्लू कलर का होगा और उसके नीचे अंडरलाइन होगी तो देखो यहाँ आपको ये ब्राउज़र के अंदर प्रोग्राम रन हुआ दिखाई दे रहा है और उसके अंदर आपको ये इस तरह की जो थर्ड पैराग्राफ है उसके अंदर क्लिक हियर टू विजिट थियरी ऑफ रेमबो उसके फ्रोट के कलर है ब्लू और उसके नीचे अंडरलाइन भी है आप प्रैक्टिकल करके भी देखना इसलिए आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा ठीक है ये तो क्या है बुक में कि बुक में प्रैक्टिकल किया और उसका स्क्रीन इसमें ले लिए है ठीक है फिर यहाँ पर आपको बोला है कि क्लिक हीयर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें हमने क्या दिया था कि अब हम यहाँ क्लिक करें तो हमें ये डायरेक्ट कहाँ जंप होनी चाहिए फाइल कहाँ जानी चाहिए तो कि हमारी जो दूसरी फाइल थी जिसका नेम था पी फोर डोट एच एम एल जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट फाइल कहाँ पर चली जाएंगी पी फोर डॉट एच टी एम एल तो हम यहाँ पर क्या करते हैं क्लिक करते हैं ठीक है ठीके? तो देखिए ये हमारा कोड था उसके बाद ये हमारा पी फोर डॉट एच एम एल का रिजल्ट ठीक है तो देखो पी डॉट जैसे ही हमने वो उस ब्राउ पहला हमारी एच एम एल फाइल थी उसको हमने ब्राउज़र में रन किया तो ब्राउज़र में रन करके हमने इसका आउटपुट इस तरह से देखा और उसमें हमारा थर्ड पैराग्राफ के अंदर लिखा था क्लिक हेयर टू विजिट टू थियरी रैम वो उस पर हमने एंकर टैग पर क्लिक किया तो डायरेक्ट जब हम वहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो पेज वो फाइल कहाँ चली जाएंगी कहाँ चली जाएगी डायरेक्ट हाँ पी फोर डॉट एच टी एम एल देखो यहाँ एड्रेस बार में दिखाई दे रहा है पी फोर डॉट एच टी एम एल ओके उसमें जो सेकेंड हमारी फाइल थी पी फोर डॉट एच टी एम एल उसके अंदर हमने टाइटल में क्या दिया था थियरी ऑफ रेमबो और उसके बॉडी टेक के अंदर हमने हेडिंग क्या दिया था एच वन में हाउ रेमबो डेवलप और उसके अंदर हमने सिर्फ वन ही पैराग्राफ डाला था ठीक है तो ये हमारा रिजल्ट मिल गया हमने दो फाइल दो हम पे हमने क्या किया दो एग्जाम्पल लिए एक का नेम था पी थ्री डॉट एच टी एम एल और एक का नेम था पी फोर डॉट एच एम एल दोनों एक दोनों के अंदर हमने सिंपल एच टी एम एल कोड लिख लिए और जो जिस फाइल से हमें एक फाइल से दूसरी फाइल में जाने के लिए हमने क्या किया एंकर टैग का यूज़ किया ठीक है तो ये जो एंकर टैग है वो आपको प्रैक्टिकल करके देखना है प्रैक्टिकल करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कुछ नहीं है सिंपल हमने आगे जो जो एग्जांपल किए वैसे ही एग्जांपल के अंदर सिंपल ये कोड आपको लिख देना है ठीक है ये जो ए टेक की हाइपर लिंक के अंदर लिखा है ये कोड लिखना है और हाँ ये याद रखिए जब आप एंकर टेग को स्टार्ट करें तो उसको क्लोज करना मत भूलना अगर क्लोज नहीं किया तो भी वो टैग वर्क नहीं करेगा और जो जे फाइल का आपने उसमें नेम लिखा है मीन्स के जहाँ पर आपको ये फाइल को रन कराना है दूसरी फाइल का नेम यहाँ पर आपने गलत डाल दिया तो भी वो वर्क नहीं करेगा इसलिए मैं कह रही थी कि जब आपको जब आप दूसरी फाइल बनाएं तो उस फाइल को पहले सेव कीजिए फिर सेव करने के बाद उसको कॉपी करके यहाँ पर ये जो पी फोर डॉट एच टी एम एल है वहाँ पर पेस्ट कीजिए इसलिए प्रॉपर कहाँ भी कहीं भी मिस्टेक स्पेस भी नहीं रहनी चाहिए ये डबल इक्वल जो है डबल उसके अंदर स्पेस भी नहीं रहनी चाहिए अगर स्पेस भी रही तो भी वो फाइल रन नहीं होगी प्रॉपर वर्क नहीं देगी ओके तो आपको समझ में आ गया एंकल टेक क्या था एक बार आप प्रैक्टिकल करके देख लेना इसलिए इजिली समझ में आ जाएगा सिंपल कुछ नहीं है हमने आगे जो प्रैक्टिकल किया है उसमें आपको सिंपल एक लाइन लिख देनी है ठीक है और हाँ लाइन तो लिखनी है पर साथ साथ बीजी एक फाइल बनावा जीनी अंदर आ फाइल ने अपने जम्प कर सके ओके तो ये था हमारा एंकर टेग सबको समझ में आ गया एंकर टेक क्या है चलो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है एब्सोल्यूट और रिलेटिव एड्रेस इट मीन्स के एं, एंक टैग के बारे में थोड़ा कड़ा डिटेल में लिखा है यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन दिस्क, डिस्क्रिप्शन है और कुछ नहीं है जो हमने आगे पढ़ा वही है ओके okay. उसके बाद का टॉपिक है एट्रीब्यूट्स टू द टैग एट्रीब्यूट्स क्या है वो हम देखेंगे टू स्पेसिफाई मोर इन्फॉर्मेशन लॉन्ग विथ लॉन्ग विथ टैग्स एडिशनल एट्रीब्यूट्स कंपनिंग द टैग इन इन अदर वर्ड्स एट्रीब्यूट्स टेल मोर अबाउट द एलिमेंट्स इट मीन्स एट्रीब्यूट्स क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे टैग है उसके अंदर हम एलिमेंट्स लगा एलिमेंट्स उसको देते हैं ठीक है थीके? तो चले हम आगे देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल उसका एक है एट्रीब्यूट्स का नेम अ लाइन आपने नेम तो सुना ही होगा अलाइन आपके आगे आपने आगे स्टडी किया ही है कि अलाइन टैक्स अलाइन क्या है तो ये है हमारा अलाइन एट्रीब्यूट्स अलाइन एट्रीब्यूट्स क्या वर्क करता है वो, वो देखते हैं ये जो टैक्स अलाइन एट्रीब्यूट्स है वो द अलाइन एट्रीब्यूट्स इन इंडिकेट्स वेदर द हेडिंग अपीयर टू तो द लेफ्ट सेंटर और राइट ऑफ द पेज आज जो टेक्स अलाइन एट्रीब्यूट्स वो क्या वर्क करता है कि जो हमारे ब्राउज़र के अंदर हमारा पेज है इट मीन्स कि हमने जो पैराग्राफ लिखा है वो पैराग्राफ हम लेफ़्ट से स्टार्ट करें या सेंटर में हमें चाहिए या फिर हमें लेफ़्ट साइड राइट साइड चाहिए ओके uh, right okay? तो वो हमें ब्राउजर के अंदर किस तरह से डिस्प्ले करना है हमें वो उस तरह का वर्क करता है ठीक है तो हम उसको जो उसमें लिखा है लेफ्ट लेफ्ट कैसे वर्क करता है करता है तो कि द कंटेंट इज अलाइन टू द लेफ्ट ऑफ़ द पेज जो ब्राउजर का पेज है उसमें वो लेफ्ट उस से उसके फोन डिस्प्ले होते हैं ठीक है थीके? उसके बाद है राइट द कंटेंट इज अलाइन टू द राइट ऑफ द पेज इट मीन्स के ब्राउजर के अंदर जो हमारा पेज है वो उसके फोन कहाँ से स्टार्ट होंगे राइट right साइड से ओके okay? और हमें सारे फोन कहाँ चाहिए सेंटर में चाहिए तो द कंटेन इज कॉल इज अलाइन टू द सेंटर ऑफ द पेज ओके तो चलो उसके एग्जाम्पल देखते हैं सिंपल हमें सिंपल हमने आग, आगे जो एंकर टेक का एग्जाम्पल देखा ना उसमें मैं, मैंने दो पी टेक लिए थे अगर आपको वही वहीं पर ये अलाइन टेक का टेक्स अलाइन का यूज करना है अलाइन टेक का ये अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करना है तो उसके अंदर ही आप कर सकते हैं तो सिंपल कैसे लेना है ये तो पी टेक के अंदर ऑनलाइन इज इक्वल टू डबल डबल कोट के अंदर राइट right. अगर हमें फोन अगर हमें फोन पेज के अंदर जो फोनट है वो राइट right साइड से डिस्प्ले होने चाहिए तो राइट right लिखना है लेफ्ट साइड से डिस्प्ले होने चाहिए तो लेफ्ट लिखना है और सेंटर में चाहिए तो सेंटर लिखना है ठीक है राइट फिर वो पी टेक को क्लोज कर देंगे और दिस कंटेंट विल बी डिस्प्ले इन राइट ऑनलाइन फ्रॉम फिर पी टेक क्लोज सिंपल क्या करना है पी मीन्स क्या है हमारा एक पैराग्राफ हमें जब ब्राउजर के अंदर वो पैराग्राफ डिस्प्ले हो तो वो पैराग्राफ हमें कहाँ से चाहिए राइट साइड से ओके और सेकंड एग्जांपल क्या है कि पी टेक के अंदर मैंने लिया है अ लाइन इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर सेंटर फिर दिस कंटेंट विल बी डिस्प्ले इन सेंटर सेंटर पोजिशन ऑफ द पेज फिर पेटिक को क्लोज किया है फिर ऐसे ही एक एग्जाम्पल आपको नीचे दिया गया है कि अब ऐसा नहीं है कि हमें जो पैराग्राफ हमारे वेब पेज के अंदर जो पैराग्राफ है उसी में ही हमें अलाइमेंट अलाइन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना है ऐसा नहीं है हम अगर हेडिंग जो टैग है हमारे हेडिंग स्टाइल वाले सारे टैग उसके अंदर भी हम टैक्स अलाइन का यूज़ कर सकते हैं तो देखो यहाँ पिंक कलर की लाइन में एच वन अलाइन इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर सेंटर सेंटर हेडिंग क्लोज ओके तो यहाँ पर देखिए मैं आगे आपको एग्जांपल में समझाती हूँ देखिए ये एग्जांपल ले लिया मैंने इसके अंदर देखो ये एच वन हाउ अबाउट डेवलप वो जो ब्राउजर के अंदर ये जो प्रोग्राम ब्राउजर के अंदर रन होगा तो सिंपल इस तरह से रन होगा ठीक है ये जो लेफ़्ट साइड से इसका अलाइनमेंट कुछ दिया नहीं है इसलिए नॉर्मली हम कुछ अलाइनमेंट ना दे तो नॉर्मली लेफ्ट साइड से ही हमें डिस्प्ले होगा ठीक है तो यहाँ पर मैं अलाइन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके एच टेक के अंदर लिखती हूँ कि एच वन फिर थोड़ी स्पेस फिर अलाइन इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर लिखती हूँ सेंटर और उसके बाद हाउ हाउ रेम्बो डेवलप फिर एच वन टेक को क्लोज कर देती हूँ ठीक है फिर इस फाइल को मैंने सेव कर लिया देखो सेव करना मत भूलना जो भी फाइल हम एडिट करें उसको सेव करना ही है कंट्रोल एस कर कर देंगे ना आप कीबोर्ड में से कंट्रोल एस इसलिए ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी एक बार हमने फाइल सेव कर ली फिर हम उसमें कुछ भी एडिट करें तो उसको हमें कंट्रोल प्लस एस कंट्रोल एस से हम सेव कर लें तो बाई डिफॉल्ट वो सेव हो जाती है ठीक है फिर हम ब्राउज़र में उसको रन करते हैं तो ये हमारी ब्राउजर की विंडो ओपन हुई तो ब्राउज़र के विंडो में हमने एच वन टेक के अंदर अलाइन एट्रीब्यूट्स दिया था एच वन टेक के अंदर हमने अलाइन एट्रीब्यूट्स क्या दिया था सेंटर तो जो हाउ रेम्बो डेवलप है वो हमारा कहाँ पर आ जाएगा सेंटर में आपको ये सब प्रैक्टिकल करना है मैं यहाँ पर बता रही हूँ जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही है आपको पर प्रैक्टिकल करना है इसलिए ज़्यादा समझ में आ जाएगा ओके okay? तो ये हाउ रेमबो डेवलप जो है वो कहाँ पर आ जाएगा सेंटर में आ जाएगा ठीक है इसी तरह यहाँ पर पी पी टेक के अंदर एक पैराग्राफ लिखा है अब मैं पी टेक को अलाइन एट्रीब्यूट्स देती हूँ तो पी अलाइन इज इक्वल टू इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर लिखती हूँ लेफ्ट सॉरी लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट होता ही है तो यहाँ पर मैं राइट right करती हूँ राइट ओके तो राइट right अलाइनमेंट दे दिया मैंने इस पी टेक को तो जब इसको फिर मैं क्या करूँगी से सेव से करूँगी और उसके बाद ब्राउजर में मैं उसको रन करूँगी तो ये हमारा ब्राउज़र ओपन हुआ और उसमें मैंने जब इसको रन किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट साइड से ही फ़ॉन्ट उसके स्टार्ट होते हैं देखो यहाँ लेफ़्ट साइड का जो भाग है ये वो प्रॉपर एक फ़ॉन्ट है यहाँ से स्टार्ट हुआ रेनबो उसके नीचे ही से ही दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ दिख दिख रहा है इट मीन्स लाइन एट्रीब्यूट्स क्या है कि प्रॉपर फॉर्मेट हमें मिले ओके ठीक है तो हमने क्या दिया था राइट right साइड दिया था तो हमें जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे ब्राउज़र के अंदर तो उसकी राइट right साइड से हमें प्रॉपर मिलेगा आंसर ठीक है वो जो लेफ़्ट साइड से मिल रहा मिला है यहाँ डिफ़ॉल्ट लेफ्ट है इसे लेफ्ट साइड से मिला है वैसे ही हम अलाइनमेंट राइट अप देंगे तो ये फोन हमें वैसे ही लेफ्ट राइट साइड से दिखेंगे ठीक है तो समझ में आ गया आपको प्रैक्टिकल करना है मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्रैक्टिकल करना है प्रैक्टिकल करना है क्योंकि हमारा टोटली सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है इसलिए आपको प्रैक्टिकल करना है तो तो ही आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो आपको समझ में आ गया अलाइन एट्रीब्यूट्स क्या है लेफ्ट अलाइन टेक्स इसको बोलते हैं टेक्स अलाइन लेफ्ट टेक्स अलाइन राइट और टेक्स अलाइन सेंटर इसी तरह से जैसे हम पैराग्राफ टैग में ये अलाइनमेंट का यूज करते हैं उसी तरह से हम हेडिंग स्टाइल के अंदर भी हेडिंग के अंदर भी हम टेक्स अलाइन का यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? तो समझ में आ गया सबको ठीक है तो उसके बाद उस नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग ऑफ द अदर एडिटर इट मीन्स के बुक में एक एडिटर दिया गया है जैसे हमारा नोट पैड है नॉर्मल हम हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में हम एक एप्लीकेशन नोट पैड जो है वो हमारा क्या है टेक्स एडिटर है सबके पास नोट पैड हो इसीलिए मैं नोट पैड की ही एग्जाम्पल देती हूँ ठीक है पर बुक में क्या लिया लिया गया है कौन सा एडिटर लिया है एस सी आई टी ई ओके वो एडिटर का नाम है तो वो एडिटर कैसे ओपन होता है होता है कहाँ से ओपन होता है वो आपको यहाँ पर स्टेप बाइज दिया गया है उसकी स्क्रीन कैसे दिखाई दे रही है वैसे आपको स्टेप बाई यहाँ पर दिखाई दे रहा है ठीक है दिखाई दिया है तो सिंपल फॉर एग्जांपल आप हम ऐसे लिख हम ऐसे कह देते हैं कि हम नॉर्मली नोटपेड नोटपैड एडिटर को कैसे ओपन करते हैं तो स्टार्ट uh, बटन में पहले तो हम कंप्यूटर में स्टार्ट बटन पे जाएंगे स्टार्ट बटन कहाँ आता है कंप्यूटर के अंदर अथवा तो लैपटॉप तो में तो के लेफ़्ट एंड साइड लेफ्ट एंड साइड बॉटम पार्ट के कॉर्नर में जो स्टार्ट बटन होता है उसको क्या कहते हैं वो बटन होता है उसको क्या कहते हैं स्टार्ट बटन वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमें हमें इस तरह से ये डिस्प्ले होगा ठीक है देखिए यहाँ पर ये जो आपको स्क्रीनशॉट दिया गया है वो एक नॉर्मल पीसी का ही स्टार्ट बटन का है तो आपके पास कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो उसमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक स्टार्ट बटन ओपन होगा उसमें आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर जो भी एप्लीकेशन होगी वो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डिस्प्ले होगी देखो जो यहाँ पर है ना उसमें इसने यहाँ पर कौन सा टेक्स्ट एडिटर का यूज़ किया है एस सी आई टी ई एस इस एडिटर पर क्लिक करें और उसको ओपन करें ठीक है तो हम हम नॉर्मली नोटपैड को यूज़ करते होंगे तो हम स्टार्ट बटन में जाएंगे वहाँ पर नोटपैड सर्च करेंगे अगर यहाँ पर स्टार्ट बटन में नहीं है तो सर्च करेंगे सर्च करके इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह की एक स्क्रीन दिखाई देगी हमें नॉर्मल नोटपैड को इस तरह से ही देखते हैं ना जैसे यहाँ एस एस सी आई टी ई टेक्स एडिटर दिखाई दे रहा है ठीक है उसके अंदर आ, पहले आपको क्या दिखा मेनू दिखा फाइल एडिट हेल्प व्यू ऐसा मेनू होता है ना नोटपैड के अंदर इसमें इसमें भी अलग अलग मेनू है फाइल एडिट सर्च व्यू टूल्स ऑप्शन लैंग्वेज हेल्प ओके तो ये अलग अलग मेनू है और ये व्हाइट कलर का जो एरिया है उसके अंदर हम क्या करते हैं एच टी एम एल कोड को राइट करते हैं ठीक है थीके? तो चलो नेक्स्ट हमें देखते हैं देखो यहाँ पे ये सिंपल हमारा एस सी आई टी ई एडिटर है उसके अंदर हमने क्या किया है एच टी एम एल कोड को राइट किया है अगर हम नोटपैड को यूज़ करेंगे तो देखो हम नोटपैड को यूज़ करेंगे टैक्स एडिटर नोटपेड टैक्स एडिटर को तो उसमें सारे फोन के कलर जो है blue, वो वो कलर हमें कैसे दिखाई देंगे तो कि ब्लैक कलर के, के दिखाई देंगे ठीक है और ए एडिटर में क्या है कि देखियो इसमें जो एच टी एम एल टैग है ना वो आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं दिखाई दे रहे कि नहीं देखो एच टी एम एल हैड टाइटल एच वन पी वो सारे टैग है आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं ठीक है पर नॉर्मली नोटपैड में क्या होता है कि सारे टैग और वर्ड्स सब कुछ ब्लैक कलर का ही दिखाई दे देता है ठीक है पर नोटपैड प्लस प्लस में ऐसा नहीं है क्योंकि वो लेटेस्ट वर्ज़न है इसीलिए ठीक है ये नोटपैड है ये ये ओल्ड वर्जन है इसीलिए उसमें सारा ब्लैक कलर का ही फोन आता है इसी तरह से ये एस सी आई टी ई एडिटर टैक्स एडिटर है वो लेटेस्ट वर्जन है इसलिए इसमें डिफरेंट जो हमारा टेक का फोन का कलर है वो डिफ़रेंट है वो इसीलिए कि देखिए यहाँ पर जो हमने एच एच टी एम एल स्टार्ट किया तो अगर हमने एच टी एम एल स्टार्ट किया अगर हम उसमें एच टी एम एल क्लोज करना भूल गए तो हमें ये साइन ऐसा साइन देगा इट मीन्स कि ये जो ब्लू कलर का है तो वो रेड कलर का हो जाएगा इसी तरह से आपको पता चल गया चल जाएगा कि इसमें कुछ मिस्टेक है ठीक है तो हमने बॉडी टेक स्टार्ट किया पर उसको क्लोज करना भूल गए तो हमने बॉडी टेक के आगे वो रेड कलर की साइन इट मीन्स यहाँ पर एरो दिखाई दे रहा है उसकी जगह गो गोड राउंड आपको दिखाई देंगे सर्कल दिखाई देंगे ताकि आपको पता चले कि आपकी इसमें क्या मिस्टेक है ठीक है आपको ये सब प्रैक्टिकल करना है आपके जो कंप्यूटर में नोटपैड तो होगा पर मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने कंप्यूटर में नोटपैड प्लस प्लस जो टेक्स्ट एडिटर है वो डाउनलोड कर लीजिए और उसमें एच कोड को रन कीजिए क्योंकि इसमें इस तरह से ही होता है कि एच टी एम एल सारा कोड है उसका कलर डिफरेंट डिफरेंट होता है जैसे कि एच टी एम एल है उसका फॉन्ट हमें रेड कलर का मिला तो उसके बाद हमारा हेड टैग गया तो उसका फॉन्ट ग्रीन कलर का मिलेगा उसके बाद बॉडी टैग गया तो उसका फॉन्ट हमें ब्लू कलर का मिलेगा जिस तरह से आपको पता चलेगा कि जो हेड सेक्शन है वो पूरा ब्लू कलर का है जो बॉडी सेक्शन है वो पूरा ग्रीन कलर का है ठीक है ओके तो समझ में आ गया कि ये एस आई सी टी जो एक टेक्स एडिटर है वो कैसे वर्क करता है ठीक है कैसे ओपन होता है यहाँ पर जो स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री दिए गए हैं वो हमें नॉर्मल कैसे हम हमारे कंप्यूटर के अंदर ओपन करते हैं उसके स्टेप दिए गए हैं देखो लोकेट लोकेट द फाइल यू वांट टू ओपन ओपन हम कैसे करते हैं इस तरह से अलग अलग दिए गए हैं ओके तो इतना समझ में आ गया आपको हमने इस चैप्टर में बहुत सारे टैग देखे हैं देखे ना डिफरेंट डिफरेंट टैग तो कौन कौन से टैग देखे हैं वो यहाँ पर यहाँ पर नीचे देखो एक कोस्टक दिया गया है एक टेबल जैसा है जिसमें टैग है उसके साथ उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है ठीक है तो हमने आज ही पढ़ा एंकर टैग तो एंकर टैग क्या है तो कि एंकर प्रेजेंट फाइल टू द रिफर द, द।, द। थ्रो नेक हो टेक्स एट लेके लिंक एक फाइल एक फाइल के हम एक फाइल में से दूसरी फाइल के अंदर जाने के लिए हम एंकर टेक का यूज़ करेंगे और जो हमारी फर्स्ट फाइल है उसमें हम दूसरी फाइल का दूसरी फाइल की लिंक दे देंगे तो उसके थ्रू हम दूसरी फाइल के अंदर उसको हम उसके अंदर जा सकेंगे ठीक है तो ये था हमारा एंकर टेग और उसके बाद है बी टेक बी मीन्स बोल्ड ओके डिस्प्ले टेक्स इन बोल्ड फोन्ट जब हमारा नॉर्मल फॉन्ट होगा वो सिंपल नॉर्मल फॉन्ट में होगा अगर हमें पैराग्राफ कोई भी पैराग्राफ है उसमें कोई भी ऐसा कोई भी ऐसा कोई, कोई एक लेटर है वो हमें थोड़ा डार्क चाहिए तो उसके अंदर हम क्या कर देंगे बी टेक का यूज़ कर देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा वो इतना जो लेटर है वो लेटर बोल्ड हो जाएगा फिर उसके बाद है बॉडी तो बॉडी क्या वर्क करता है डिफाइन बॉडी ऑफ द एच टी एम एल डॉक्यूमेंट अपीयर विद इन द एच टी एम एल टेग पे और बॉडी टेग कहाँ पर डिस्प्ले होता है तो क्या एच टी एम एल डॉक्यूमेंट की अंदर ओके okay? उसके बाद आता है बी टेक तो बी टेक क्या डिफाइन करता है तो लाइन को क्या करता है ब्रेक करता है और ये टेग क्या है एम टी टेग है ओके okay? तो डिफाइन लाइन ब्रेक लाइन को ब्रेक करता है इट इज़ एन एम टी सेंगुलर टेग इसको क्या कौन सा टेक कहते हैं एम टी टेग ओके इसके बाद हमारी आई हेडिंग स्टाइल हेडिंग स्टाइल के सिक्स स्टेप्स है सिक्स स्टेप है एच वन एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एंड एच सिक्स वो हमारा हेडिंग का जो हमें हमें जो हेडिंग देना है उसके हेडिंग को अ, अ, लेवल देता है क्या देता है लेवल फॉर एग्जांपल तरीके हमारी बुक्स के अंदर कोई एक टॉपिक है तो उसका फर्स्ट हेडिंग क्या हुआ तो उसका फर्स्ट हेडिंग था अ, अ, उसका फर्स्ट हेडिंग था फॉर्मेट ओके तो वो क्या है वो हम कहाँ पर लिखेंगे एच वन टेग के अंदर तो डिफाइन द फर्स्ट लेवल हेडिंग वो फॉर्मेट था वो हमारा फर्स्ट लेवल का एच वन टेग में लिया और जो फॉर्मेट का सब सब हेडिंग सब टॉपिक था सब हेडिंग होगा वो हम कहाँ पर लेंगे एच थ्री के अंदर एच टू के अंदर ठीक है उसके बाद उसका भी सब हेडिंग होगा तो वो हम एच थ्री के अंदर लेंगे उसके बाद उसका भी सब हेडिंग होगा तो हम एच फोर में लेंगे और उसके बाद उसका भी सब हेडिंग होगा तो वो हम एच फाइव में लेंगे उसके बाद उसका सब हेडिंग हम क्या लेंगे सिक्स एच सिक्स में के इसका मतलब क्या है कि हमें जो हमारी जो बुक है उसमें हमें हेडिंग जो है न, मिलते हैं उसके सब पॉइंट अगर मेन हेडिंग है उसका जो फॉन्ट है वो सबसे बड़ा होगा उसके बाद उसके सब हेडिंग्स हो गए उसके फां थोड़े थोड़े से स्मॉल होते जाएंगे ठीक है तो समझ में आ गया एच वन क्या है एच टू एच थ्री एच फोर एच फाइव एंड एच सिक्स ओके और उसके बाद है हेड तो हेड हेड uh, का हेड uh, टेक के यूज हेड टेग का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं डिफाइन द हेड सेक्शन ऑफ द एच टी एम एल डॉक्यूमेंट हेड टेग हेड जो टैग है उसका यूज यूज़ हम एच टी एम एल डॉक्यूमेंट के अंदर हेड सेक्शन में करते हैं अपीयर विद इन द एच टी एम एल एच टी एम एल टैग पेड वो कहाँ पर होता है तो कि एच टी एम एल टैग है उसके बी, बीच में हम हेड टेग का यूज़ कर सकते हैं ठीक है थीके? फिर एच टी एम एल टैग है क्या है तो कि कवर द एंटायर एच डॉक्यूमेंट हमारा सारा जो एच डॉक्यूमेंट है एच डी है वो पे सारा उसके अंदर हम आ, कोई कोड राइट कर सकते हैं उसके अंदर हम अलग अलग टेक का यूज कर सकते हैं ठीक है थीके? तो सारा एच डॉक्यूमेंट का मेन कवर है ठीक है फिर आई टैग क्या है आई मीन्स इटालिक्स डिस्प्ले टेक्स इन इटैलिक्स फॉन्ट इट फोन्टीन्स के हमें कोई एक पैराग्राफ है हमारा उसके अंदर कोई एक लेटर हमें थोड़ा सा टेढ़ा चाहिए नॉर्मल फॉन्ट से थोड़ा सा टेढ़ा इट मीन्स थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए तो हम उसके आगे आई टेक का यूज़ कर देंगे फिर आई टेक क्लोज कर देंगे तो वो फॉन्ट हमें जब हम ब्राउज़र में फाइल रन करेंगे तब हमें वो फॉन्ट की जो लेटर है वो थोड़ा सा टेढ़ा मिलेंगे नॉर्मल फॉन्ट्स के से ओके okay? उसके बाद है पी तो आपको पता है पी का क्या यूज़ होता है कि पैराग्राफ हमारे वेब पेज के अंदर हमें पैराग्राफ देना है तो हम पी का यूज़ करेंगे ठीक है उसके बाद प्री प्री मीन्स प्री फॉर्मेटेड टैग इट मीन्स के ये ये टैग का यूज़ कैसे होता है जैसे ही जैसे कि हमारे कंप्यूटर में क्या है हम जैसे इनपुट देते हैं वैसे हमें आउटपुट मिलता है इसे इस तरह से प्री फॉर्मेट टैग का यूज़ ऐसे ही होता है कि जैसे हम प्री टेक के अंदर जिस तरह के जिस तरह के पैराग्राफ लिखेंगे उसी तरह से हमें ब्राउजर के अंदर वो रन होगा ठीक है उसके बाद है स्टिक स्ट्रिक थ्रो मेनर डिस्प्ले डिस्प्ले टेक्स इन स्ट्रिक थ्रो मेनर इट मीन्स के वो फ़ॉन्ट जो हमारा नॉर्मल टाइम्स टाइम्स न्यू फॉर्मेट होता है उससे थोड़ा चेंज ठीक है इट मींस के यदि आप कोई भी प्रोग्राम ब्राउजर के अंदर रन करिए तो यार इनमें सिंपल जे फोंट डिस्प्ले થઈ છે એના ફોન્ટ કરતા થોડો ફોન્ટ ના થોડો ફોન્ટ चेंज હોય છે ઓકે اس کے બાદ હે ટાઇટલ ટેગ તો કે ટાઇટલ ટેગ શું કરતા હે ડિફાઇન ટાઇટલ ઓફ ધ ડોક્યુમેન્ટ જો ડોક્યુમેન્ટ دیا ગયા હે ہمارا વો ડોક્યુમેન્ટ કા ટાઇટલ જો ટાઇટલ ટેગ ક્યાં اتا હે ایڈ્રેસ બાર કે અંદર ઓકે अपियर अपीय देडेक टाइटल टेक हम कहाड टेक तो के head tag की अंदर ओके उसके बाद आता है टीटी -टी टेक टीटी टेग मीन्स टाइप राइटर टेग ओके वो टाइप राइटर टेक क्या करता है तो टाइपराइटेग जो है वो हमारा जो नॉर्मल फ़ोन से है उससे थोड़ा क्या होता है इसके फ़ोन थोड़े से चेंज होते हैं और ये स्टिक थ्रो फोन है ना वो फ़ॉन्ट उसका यूज़ होता है कि हमारा जो पैराग्राफ है उसमें हमें कोई गलत वर्ड्स दिए गए हैं गलत वर्ड्स दिए गए हैं ना तो उसकी जगह हम ये उसके उसकी जगह उसको हमें हटाना है इट मीन्स उसको इरेज करना है तो वहाँ पर हम ये स्ट्रिक थ्रो टैग का यूज़ करें कर देंगे तो वो टैग इरेज होकर दूसरा ये वो जो हमारा फोन है वो फोन इरेज हो जाएगा ठीक है तो ये स्ट्रिक थ्रो का यूज़ ऐसे होता है और टाइटल टेग टाइप राइटर का यूज़ होता है कि हमें जो नॉर्मल फोट है उससे थोड़ा सा चेंज ओके उसके बाद है यू टैग यू टेक का मतलब है अंडरलाइन इट मीन्स कि जब हम ब्राउज़र के अंदर हमारा जो पैराग्राफ है उसके नीचे कोई एक लेटर है जो इम्पोर्टेंट है तो हम उसके नीचे अंडरलाइन कर, कर हमें अंडरलाइन चाहिए तो हमें हमारा जो एच डी एम एल टैग है उसकी कोई एक फ़ोन के आगे हम यू टैग का यूज़ कर देंगे तो हमें ये वो जो फोन होगे हमारा जो वो लेटर होगा उसके नीचे क्या आ जाएगा एंटर टैग आ जाएगा ओके तो समझ में आ गया हमने हमारे इस फर्स्ट चैप्टर में अलग अलग टैग देखे एच के उसके बारे में हमने डिटेल में भी देखा और ठीक है और मैंने एक इमेज आपको ग्रुप में शेयर की थी ओके okay, अगर अगले फिर ये लेक्चर हमारा खत्म होगा आज तो उसके बाद भी मैं वही फाइल फिर से शेयर कर दूंगी आपको ग्रुप में ताकि आपको किसी ने ना देखी हो तो देख ले उसमें मैंने ये सारे टैग का यूज़ किया है और सारे टेग का यूज़ करके करने के बाद इसके ब्राउज़र में इन्हें इनको मैंने रन किया है ठीक है तो सबको समझ में आ गया किसी को कुछ डाउट नहीं है ना अगर कोई डाउट हो कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करके बोल सकते हैं ठीक है तो आज के लेक्चर के लिए हमें इतना ही पढ़ना था नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक्सेसरीज़ के साथ क्योंकि हमारा चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना है एक्सेसरीज ओके अगर किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे ग्रुप में बोल देना ओके थैंक यू